हाँ भैया, आप लोगों के जो योम हिसाब है वो टेस्ट वाले दिन होता है। अब ये दो चार बातें समझ लें। एक तो ये है कि गलतियाँ कई किस्मों की होती हैं। जब आप लिखते हैं तो खास तौर पर ये जो टेस्ट हुआ है तो ज़्यादातर लोगों ने अपने ज़हन से लिखा है, तो जब आप ज़हन से लिखते हैं तो आप लिख रहे होते हैं, पढ़ नहीं रहे होते। स्किल्स को समझना स्टूडेंट का काम है। अब क्या कर रहे हो आप? सुन रहे, ये यूज़ हो रहा है, फाइव सेंसेस है ना, उसमें से ये यूज़ होगी, ये यूज़ होगी, और ये ऊपर जो फैक्ट्री है जिसमें ये सेंसेस जा रही हैं ये यूज़ होगी। तो हम जब लिख रहे होते हैं तो पढ़ नहीं रहे होते। लिखना किससे है? हाथ से। पढ़ना किससे है? आँख से। आँख चल रही होती है लेकिन वो दिमाग के पीछे चल रही होती है, उस वक्त उसका फोकस उधर होता है। अब आप पेन रख दो और उसी को पढ़ना शुरू कर दो, अब पढ़ रहे हो। जब तक पेन चल रहा है आप पढ़ नहीं रहे, लिख रहे हैं, आंखें काम ज़रूर कर रही हैं लेकिन वो गलती की निशानदेही नहीं कर रही, वो दिमाग के अंदर जो अल्फाज गूंज रहे हैं वो उनके पीछे चल रही हैं, तो उस वक्त वो काम नहीं हो सकता पढ़ने वाला। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने पर्चे के एंड पे अगर आप 5 मिनट बचा लेते हैं और उसमें पेन रख के या पेन हाथ में साइड पर रख के उसको गो थ्रू करते हैं, पढ़ते हैं, तब गलती निकल आएगी, कम से कम 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे तुम्हारे। बहुत से आम अल्फाज जो हैं वो बंदा गलत लिख जाता है उस वक्त जब वो लिख रहा होता है, हालांकि उसे वो आते हैं, जब वो पढ़ेगा तो वो उसको फौरी दुरुस्त कर लेगा। तो ये एक्स्ट्रा रीडिंग जो है इसके 5 मिनट हमें बचाने पड़ते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग स्किल्स हैं। अब यहाँ पर फ़िलहाल मैं तुम लोगों के देख रहा हूँ पॉजिटिव, अभी फेल वेल नहीं करना मैंने, कम से कम नंबर 10 होंगे 20 में से, 10 वाला जो है उसको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, 12, 14, 15, 16 वो फिर बेहतर है। अब इसमें मैं सिर्फ पॉजिटिव बताऊंगा, पेपर भी मैं नहीं दूंगा, सारे मेरे पास रहेंगे जब तक सेशन एंड नहीं होता। जब सेशन एंड होगा उस वक्त हर किसी को अपने अपने रोल नंबर के मिलेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको दूंगा आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, गलतियों से भरपूर हैं, भरमार है उसमें, जो चीज़ चाहिए वो आई नहीं तो स्टूडेंट डिप्रेस हो जाएगा। 2-4-5 टेस्टों के बाद कुछ बेहतरी हो जाएगी। तो फिर अभी मैं पॉजिटिव आपके यहाँ से बता देता हूँ जो जो मैंने देखे हैं। रिजवान शोबान 128 बैठा है, मोहम्मद दानिश इकबाल 68 खड़े हो, मैं देखता भी रहूँ ना कौन कौन है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, हमें इमला चाहिए, हमें रेलिवेंस चाहिए, जो लिखा हुआ है ये तशरी रेलिवेंट है, रेलिवेंस समझ आ रही है, मुतल्लिका हो, उसी के इर्द गिर्द हो, सवाल गंदम जवाब चला ना हो, तुम्हारे पास स्पीड की ताकत है, समझ रहे हो, मैं सिर्फ पॉजिटिव बता रहा हूँ, क्या नहीं है ये बाद में बताऊँगा। तुम हालांकि ये स्पीड कम मैंने टारगेट दिया तुम्हें, ये 2 सफ़े तकरीबन 20-22 मिनट में लिखे हैं तुमने, ये वहाँ नहीं काम आएंगे, वहाँ 2 सवाल बच जाएंगे इससे, लेकिन कोई बात नहीं, पहला टेस्ट था, टारगेट छोटा रखा है मैंने, उसमें जो 2 सफ़े इसमें भी नहीं पूरे कर, कोई और आएंगे अभी, आप देखते जाएँ कि किस किस किस्म की गलतियाँ हम कर सकते हैं। तो तुम्हारी स्पीड अच्छी है, टर्म्स में तुम्हें मसला हो रहा है, जो अदबी टर्म्स आती हैं बीच में, अदब का मतलब है इस्तलाहात, ऐसे नए अल्फाज जो ख़ास मानी रखते हों, तो अदब की अपनी एक डिक्शनरी होती है, उस डिक्शनरी में से तुम्हें क्या आता है मैं तो ये पूछूंगा, तो उसमें था इस्तारा, वो अभी तुम्हें नहीं आया क्योंकि पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन समझाया ज़रूर था, यहाँ चांद आ गया और चांद जैसा बेटा आ गया, एक तशबीह है, एक इस्तारा है, डायरेक्ट कह दो इस्तारा है,
अगर की तरह के जैसा की मानिंद हरूफे तशबी आएंगे तो फिर तशबी हो जाए। काम एक ही है, दो काम ना समझ लेना, स्टूडेंट समझ लेता है शायद इशारा और तशबी दो काम है, कोई दो काम नहीं, ये काम एक ही है, तरीके दो हैं एक काम करने के, कान यूँ पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, हरूफे तशबी डाल दो या ना डालो, तुम्हारी मर्जी। में रोक, माँ को रोक सकता है कोई? उसकी मर्जी, मेरा चांद आया कहे या कहे मेरा चांद जैसा बेटा आ गया। काम तो वो एक ही कर रही है कि बेटे को खूबसूरत बना रही है चांद की तशबी से, जिसको सब मानते हैं खूबसूरत। तो वो अभी इस तशबी को मजाइया बना दें, एक तशबी जिसको कोई भी नहीं मानता, माँ कहे मेरा तवा आ गया, सारे हंस पड़ेंगे ये अजीब माँ है, अपने बेटे को तवे जैसा बना दिया। ये तशबी नहीं है, ये तजलील है। मकसद समझ आ रहा है तशबी का? उस चीज़ की अहमियत बढ़ जाए जिसको मैं तशबी दे रहा हूँ। तुमने भी देनी है तशबी, तो शायर होने हज़ारों तशबी दी हैं, चलो खुद नहीं दोगे तो तशबियाँ खोलोगे तो सही, आगे शायरी में सारी तशबीहात आएंगी, इस सारे भी आएंगे, तो दोनों एक ही काम है। तो ये काम आपको अभी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, ये इतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन स्पीड है तुम्हारे पास, तुम वहाँ 3 घंटे में अपना पेपर पूरा कर सकते हो। अब मुझे मुख्तलिफ तसल्लियाँ लेनी हैं तुम्हारी, तो ये पूरा कर सकता है, ये इमला में फंसेगा, ये टर्म में फंसेगा, ये इररेलीवेंस में फंसेगा। तो ये 4-5 किस्म की जो गलतियाँ हैं ये सारे इंशाल्लाह हम यहाँ टेस्टों में दुरुस्त करेंगे। नेक्स्ट कौन बैठा है जी? मोहम्मद हमजा है, रोल नंबर 88 नहीं है। उमर फारूक, रोल नंबर 22। शाबाश भाई तुम्हारा है, खुद से लिखना अच्छा है, ये एक और सलाहियत है, जो पैरा दिया हुआ था तुम उसी के पीछे भागे हो या तुम्हारे अपने दिमाग ने भी कुछ लिखा है, तो ये खुद से लिख सकता है, इसमें ये पोटेंशियल है। अभी कोई बहुत बड़ा राइटर नहीं है, और भी हैं कई जो खुद से लिख सकते हैं, लेकिन एक सलाहियत नज़र आ रही है भाई, ये बंदा अगर चाहे तो अपने 3 घंटे का पर्चा भी पल्ले से लिख सकता है। तो ये बेस होती है, उसके अंदर कुछ और थी, उसकी स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन खुद से लिखा हुआ कम था, इसका खुद से लिखा हुआ भी है और स्पीड में भी गुजारा है। उमर फारूक, इररेलीवेंट है तुम्हारा लिखा हुआ, लिख अच्छा रहे हो लेकिन थोड़ा सा दूर घूम रहे हो, फोकस मैंने मेज़ पे करना है तो मेरा फोकस इधर उधर है ज़रा, बस वो यहाँ आ जाएगा तो करेक्शन हो जाएगी, इतना बड़ा मसला नहीं है। नेक्स्ट है भाई अमान अली, कौन है? शाबाश, फ्लो भी है, स्पीड भी है और इमला भी अच्छी है तुम्हारी। तुम्हारी गलती ढूंढने में मुझे मसला हो रहा है, इसका मतलब है ज़्यादा सही ट्रैक पे हो। जो स्टूडेंट की गलती मैं बीच में से ना निकाल सकूँ ना, तो वो ठीक ट्रैक पे है। ये इधर वाला खाना कम करो, पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा होते जाएँ और नेगेटिव कम होते जाएँ। शाबाश वेल डन, तुम्हारे 15 नंबर हैं। मोहम्मद वकास, 126। शाबाश भाई तुम्हारे 16 नंबर हैं, 20 में से 16 बहुत अच्छे नंबर हैं। रेलिवेंस है, फ्लो है, स्पीड है, इमला ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन पे काम कम करना पड़ेगा बनिस्बतन उनके जो ज़्यादा काम करते हैं। और तुम्हें मसला हो रहा है ग्रामर में, जुमला बनाने में जनरल गलतियाँ होनी चाहिए ना, पर्चा देख के तुम्हें तो नहीं समझ आएगी जो मैं बता रहा हूँ, तो कोई गलती है जी, दायरा लगा दिया बस, क्या गलती है, मैंने क्या करेक्ट करना है अगले टेस्ट में, मुझे पता तो हो। तो तुम्हारा जो जुमले बनाने की साख्त है इस पर थोड़ा सा काम करोगे, या फिर ये भी और होता है बाद का जो मैंने पहले बताया, आपने पढ़ा ही नहीं, अगर आप पढ़ लेते तो आप खुद ही दुरुस्त कर लेते, क्योंकि वो सामने जुमला नज़र आ रहा है यार ये ग्रामर गलत है इसमें, बाकी ठीक है, तो वो जो मैं पकड़ लेता हूँ तुम भी पकड़ लोगे, इतनी बड़ी गलती तो नहीं होती। तो दौरान पर्चे के दौरान भी अगर चाहो तो तुम बीच में से पेन रोक के पढ़ सकते हो, यार सवाल नंबर 1 कर लिया मैंने, ज़रा इसको रिवीजन कर लूँ, उसी रिवीजन में तुम्हारा पेन दोबारा चलेगा, लिखते हुए नहीं चलेगा, लिखते हुए रिवीजन नहीं होता, रुक के होता है जब तुम अलहदा से उस पर सोचोगे, तो अपना रिवीजन साथ के साथ करना है। नेक्स्ट तुमने बैठ जाओ। मुदस्सर इरशाद, 42। शाबाश भाई तुम्हारे भी 15 नंबर हैं, फ्लो ठीक है तुम्हारा, इमला ठीक है, स्पीड का मसला आ रहा है, काम लिखा है तुमने,
दोनों सफ़े नहीं भरे होंगे, अभी यहाँ निशानदेही हो गई है और थोड़ी सी इररेलीवेंस भी है। अच्छा लिख रहे हो, अपने पल्ले से लिखने की सलाहियत है, लेकिन वही फोकस मेज़ पे हो। इन्होंने ये पैरा सबसे मुश्किल है, इससे ज़्यादा मुश्किल टेस्ट होगा ही नहीं, ये भी मसला है ना, मैं उसको भी तो देख रहा हूँ। तो इस लिहाज से तुम्हारी कारकर्दगी ठीक है, क्योंकि बीच में इस्तारा है। एक स्टूडेंट ऐसा भी निकला है जिसको बिल्कुल ही नहीं समझ आई, उसने सारे टीले और ये जो बंजर मैदान और खेत खेत ही रखे हैं, मुश्किल काम है बीच में, खेत तो है ही नहीं, वो तो बात ही नहीं कर रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेतों के लिए आए थे, एक ने सारी मखलूकात के साथ तशबीह दे, सब मखलूकात के लिए रहनुमाई, और चींटी के लिए कैसे रहनुमाई है, उसको तो सिर्फ इंसानों की बात हो रही थी, उसके सब तबकों को रहनुमाई दी आपने, दूसरी मखलूक को नहीं दी। तो वो जानवर हैं जैसे, और सैकड़ों चीज़ें हैं, दरख्त हैं जैसे, तो उन वो कैसे सुन्नत पे अमल करेंगे। आप ये नहीं कह सकते सारी मखलूकात के लिए रहनुमाई, तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई है, क्योंकि आप बतौर बशर आए हैं, वहाँ जाना होता तो उनकी फॉर्म में जाते, तो ऐसा नहीं है, वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ शऊर ही नहीं है। इंसान में और दूसरी मखलूक में फ़र्क यही है। आप लिख सकते हो, कोई और चीज़ मुझे दिखाओ जो लिख सकती हो, इसलिए इंसान जो है डिफरेंट है। साद यूसुफ 44 है, नहीं है 52 मोहम्मद नुमान, हाँ मैं तुम्हारे पॉजिटिव में है, फ्लो ठीक है तुम्हारा, ग्रामर और इमला पे तवज्जो दोगे, ठीक है। अच्छी चीज़ यही है कि तुम लिख सकते हो, काफ़ी मुझे तवक्को नहीं थी इतनी ज़्यादा कि इतने ज़्यादा इसमें से अच्छी स्पीड फ्लो और लिखने वाले होंगे, लेकिन तुम्हारी क्लास बेहतर निकली है, ठीक है, शाबाश। अगले टेस्ट में ध्यान रखना इमला का और ग्रामर का, जुमले जो बना हुआ हो उसको पढ़ो, तुम्हें खुद जुमला बता देगा, इस काबिल हो तुम, अपने जुमले की गलती ढूंढ लोगे, बशर्ते के अलहदा से पढ़ोगे, लिखते नहीं जाओगे, लिखने में नहीं होगी वो, पॉइंट क्लियर है। अपनी गलती खुद ही पकड़ लो, बजाय इसके मैं जाके लाल दायरा लगाऊं तुम्हारे नंबर काटूं, तुम खुद अपने पेन से उसको काट के ऊपर दोबारा लिख दो, आसानी से हो जाएगा। ये रिवीजन की आदत डालनी है नेक्स्ट टेस्ट में, बीच में डालो या एंड पर डालो, जैसे तुम्हारी मर्जी, हर सवाल के बाद पढ़ लो तब भी खैर है, एक एक दो दो नंबर बढ़ते जाएंगे, नंबर ही लेने बैठा हूँ ना, तो पढ़ने में क्या हर्ज है, जब मेरे नंबर बढ़ रहे हैं, मैं खुद ही अपनी गलती कर रहा हूँ, नहीं तो वहाँ बोर्ड में काट लेगा वो, मैंने तो फिर दिए हैं तो मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ, वो तो देखता ही नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं देखेगा, ये भी फ़र्क है मेरे में और उस इम्तिहान वाले में, वो तो नेगेटिव ढूंढने बैठा है, दिखा भाई लाल पेन है मेरे पास, और तुम उसके स्टूडेंट थोड़ा जो उसको हमदर्दी होगी, उसने कोई टाइम लगाया इस तरह, वो तुम्हारे साथ लेक्चरों में शरीक रहा है या घंटे गुजारे हैं, उसने कोई हमदर्दी नहीं, माने उससे बचना है। मोहम्मद नसीब बिलाल, हाँ भाई बच्चे तुम्हें इमला ठीक है तुम्हारी, फ्लो भी ठीक है, उसको तुम बिल्कुल नहीं समझे, वो जो इस्तारा था ऐसा ही है, उसकी वजाहत नहीं की, वो इंसान है, कोई टीले बंजर नहीं है। दो तीन ने बहुत अच्छी वजाहत की, एक ने लिखा है सहाबा कराम ने तरबियत हासिल की, मुख्तलिफ बादशाहों ने भी तरबियत हासिल की, बोला वो बता ही यही रहा है कि हर किस्म के इंसान ने आपसे तरबियत हासिल की। कोई इंसान होता है रेतले टीलों की तरह, रेतला टीला ज़्यादा बारिश मांगता है, अबरे बारह आफ्ताब था फिर, और किस किस को रोशनी और चमक मिल रही थी, रोशनी और चमक क्या मिली, इंसान बेहतर नहीं हुए, उनको शऊर नहीं मिला, उनको एक बेहतरीन दीन नहीं दिया आपने, ये बात कर रहा है। दरख्त और खेत तो वो कह ही नहीं रहा, वो तो उससे मुराद वो तमाम अफराद हैं जो कि वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद हैं। कई ऐसे कोरे हैं जिन पर कुछ भी नहीं हुआ, अबू जहल पर क्या असर हुआ है, अबू लहब पर कोई असर हुआ है, कुछ भी नहीं। तो आप तो सूरज अपनी जगह है, आप कोई जगह बंजर है तो उसको रोशनी कोई है ही, बिल्कुल ही डार्क, उसको रोशनी कहाँ से मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी, और जो रोशनी अब्जॉर्ब करने वाले हैं उनके लिए इतनी है कि वो हद से ही बाहर है। तो एक वो हो गए जिन्होंने बिल्कुल ना ली, एक वो हो गए जिन्होंने बहुत ज़्यादा ली, उनमें सरे बरह हज़रत अली करम अलावा जो
जिन्होंने 10 साल की उम्र से पूरी तरबियत ली, सारा सूरज की धूप ही समेट ली। और एक अबू जहल चाचा ही है, साथ भी रहा है, एक किरण नहीं समेटी उसने। तो वो इंसानों की बात हो रही है, कोई ना कोई मिसाल देने। एक दो लड़कों ने बहुत अच्छा वो उसमें लिखा भी है, यानी एक को पता है तो बाकी को होना चाहिए, या तो उसको भी ना होता वो भी तशरीह ना करता। इसका मतलब है जिस दिन तशरीह हो रही थी वो सुन रहा था, उसका फोकस सही था, उसको समझ भी आ गई, उसने इस सितारे को तोड़ा। उसको तोड़ना है ना, वरना तो फजूल है, वरना तो भाई का भाई है जो गलती इसने की। नेक्स्ट है कोई सलमान शफी, रोल नंबर 14। हाँ भाई सलमान, तुमने भी टर्म्स को अच्छा समझा है। अब देख लो अपोजिट गलतियाँ आ रही हैं, ये टर्म्स को नहीं समझा, वो टर्म्स को समझा है, स्पीड में मारा गया। इसकी स्पीड सही है, टर्म्स नहीं सही। अब ये उंगलियाँ एक हाथ में चार होती हैं, एक अंगूठा होता है, अंगूठा है रेलिवेंस, तशरीह तुम्हारी उसके इर्द गिर्द है जो है, सबसे बड़ा अंगूठा होता है, इस खानदान का जो हेड है वो अंगूठा है। चार बजे और बताओ, अब वो स्पीड भी है, इमला भी है, कम अज़ कम हर चीज़ में अपने हाथ को देख लिया करो, दुनिया की हर चीज़ में ये गुलिया है। एक बड़ी वजह होती है और चार उसके साथ दूसरी वजूहत होती है। तुम्हारे नंबर आने की एक बड़ी वजह है और चार उसके साथ छोटी छोटी अटैच हैं। जो सबसे अहम और कीमती है अंगूठा कौन सा है तशरीह में, तशरीह क्या हो, स्पीड से हो, इमला सिर्फ ठीक हो, या क्या चीज़ ठीक हो, ये आज ही पक्का कर लो इस बात को, क्या ठीक हो है, क्या ठीक हो। ये सबसे अच्छा जवाब है, सारी चीज़ें ठीक हों, जब हम बहस ही कर रहे हैं पहले ही टेस्ट पे रुके हुए हैं तो सारी ठीक हो। नंबर एक, नंबर एक कुछ भी ठीक ना हो, रेलिवेंस हो, तशरी उस पैरे के मुताबिक। अब रेलिवेंस इसमें क्या थी, इस सारा खोलो, वो जो दरख्त और खेत दिए हुए उनको इंसान बताओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो इस्तारा है उसकी वजाहत करो, किस चीज़ की रोशनी और कौन। अब चाहे इमला उसमें गलत भी है मैं नंबर दूंगा, स्पीड कम भी है उसने थोड़ा भी लिखा है वो ज़्यादा नंबर लेगा। अंगूठा क्या हुआ, टू द पॉइंट होना, तशरीह टू द पॉइंट होगी तो ये सबसे बड़ी तुम्हारी फेवर है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। लेकिन अगर ये सारी ठीक होंगी, नंबर वन है ये पर्चा, फिर इससे मैं इम्प्रेस हुआ हूँ यार, ये है पर्चा, कहीं इसने मुझे कुछ नहीं, जैसे उसके मुझे एक जो बंदा था उसके मैं नेगेटिव ढूंढ ही नहीं सका, अभी फ़िलहाल नहीं, आगे आ जाएगा, अभी वो ठीक जा रहा है, हो सकता है इस टेस्ट में ठीक हो, अगले टेस्ट में तैयारी ना करके आए जीरो हो जाए, उलट भी हो सकता है। तो आप मुस्तकिल अमल के तहत ये इल्म हासिल करेंगे और इसमें ये चीज़ें दुरुस्त कर देंगे। ये कहीं ग्रामर में तो लिखी नहीं हुई, ना कोई बहस करता है, किसी कोई उस्ताद भी नहीं बहस करता, हालांकि बेस ही यही है। तुम नंबर ही लेने आए हो जहानत से, रट्टे से नहीं, वो जहानत यही है, रेलिवेंस सबसे नंबर वन है, उसके बाद फिर स्पीड है, फिर इमला है, ग्रामर है, ये सारी चीज़ें हैं, और ख़ुद से लिख सकता हो ये भी सेकंड नंबर पे है, शहादत की उंगली ये है, उसी के लफ्ज़ ना उठा के ठोकता है, खुद अपने दौर पे भी लिख सकता हो। काफ़ी सारे लड़के ऐसे हैं जो खुद लिख रहे हैं, नज़र आ रहा है, लेकिन वो थोड़े से दूर हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, मेज़ का फोकस होना चाहिए था, वो ब्लैक बोर्ड पे, उधर बोर्ड पे, उस दरवाजे पे, पंखे पे घूम, वो यहीं रहा है, क्योंकि मजहबी सबक था, इस वजह से मेज़ पे आए, इस तारा खोले और उन चीज़ों को बतौर आदमी पेश करते, ये थी रेलिवेंस। मुश्किल पैरा था, आगे नहीं होगा ऐसा, इस तारा होगा ही नहीं, नसर में क्या काम इस तारे का, ये तो शायरी की टर्म है, लेकिन वो बंदा काबिल इतना है, उसने सब चीज़ें बीच में शामिल की, 250 सफ़ों में इतना बड़ा मजमून, ये जो दूसरे सफ़े पे पैरा है ना, इसको खोलो तो 200 सफ़े की किताब बनेगी, जो इशारे उसने, जो मिसालें पेश की हैं उसने अपनी दलील के लिए, वो बहुत बड़ी हैं, छोटी सी नहीं है, इस वजह से आपने उसको अपनी लिमिट के अंदर कर लेना। नेक्स्ट है भाई सलमान शफी हो गया, मोहम्मद शकील 34।
है नहीं है। मोहम्मद तलहा 28 ये भी नहीं है, ठीक है। इनके नेगेटिव ज़्यादा हैं, पॉजिटिव कम हैं। तो पर्चे को सही मानों में देखना हो तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है। अब जा रहे अभी तुम्हारे माथे पे तो लिखी नहीं हुई ना उस जवाब में, ये तो मैं पूरी तवज्जो से उसके अंदर घुसूंगा तो मुझे पता लगेगा, वरना तो पर्चा है बस इमला देख के मैं नंबर दे दूँ, फ़ायदा नहीं है, वहाँ घाटा हो जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अहम तरीन चीज़ है, ये मेरे ही पास रहेगी जब तक कि तुम्हारी फर्दन दुरुस्ती नहीं हो जाती। और हम हर ट्रस्ट को इस तरह डिस्कस नहीं कर लेते, उसमें ये है कि अब तुम्हें अपने पॉजिटिव्स का पता होना चाहिए, तशरीह में करना क्या है इसका पता होना चाहिए। 15 नंबर का सवाल है, छोड़ नहीं सकते हम, बड़ा सवाल है। 10 वाला भी बड़ा गिना जाता है, 15 वाला उससे बड़ा है, 5 वाला छोटा सवाल होता है, वो भी आएगा एक न एक उसमें नज़म के हिस्से में से आ जाएगा बाजू का। फिर 5-5 नंबर वाले मारूजी में भी तो हैं, वो भी हैं। दोबारा लब आपने तवज्जो ये रखनी है कि नेक्स्ट तशरी आपकी इससे बेहतर हो, पोटेंशियल आप सब में है, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं निकला जो लिख ही ना सकता हो। कई ऐसे भी आ जाते हैं बाज़ों का तो बिल्कुल ही नहीं पता उसको, उसने बस 2 लाइनें लिखी और वो गया, तो ऐसा कोई नहीं है, सब में कुछ ना कुछ लिखने की सलाहियत मौजूद है। अभी सलाहियत को वो कितना बढ़ा पाता है ये उसका मुकद्दर भी है और उसका इम्तिहान भी है, यही इम्तिहान है। ठीक हो गया, अब इसमें से नेक्स्ट हमारे पास टाइम है, अभी इसी को देख लो, निकाल लो किताब, अब इसी की तशरीह मैं करने लगा हूँ जो तुमसे चाहिए। पैरा निकाल लो सामने। अब इसमें सबसे पहले रेलिवेंस में सबसे पहला नंबर जो मैं मीठा बता रहा हूँ, आसानी से समझ आ रही है ना बात इस निशानी से, तुम्हारे अपने पास भी हाथ है, उसमें से अंगूठा क्या है, अंगूठे की रेलिवेंस सबसे पहले ये बताना था कि किसने लिखा, किस उनवान से लिखा। ऊपर मल्ले वकू में उसमें आप पहले बता देंगे हवाला है मतन में, लेकिन यहाँ पैरे की तशरीह का आगाज ही सुलेमान नदवी से होगा। कितनों ने किया अभी तक, एक पर्चा है शायद इसी का है। सबसे बड़ा अदीब है, आप खा गए, हवाला मतन तो ऊपर रह गया, वो तो 2 नंबर ले आए, उसके बाद सियाको सबाक पढ़ा उसने, अब जब वो नीचे आया है जहाँ जिक्र होना चाहिए था आपने एक लाइन लिखनी थी सिर्फ, इंप्रेशन कहीं चला जाता, अब एक बंदा निकला उसका इंप्रेशन कहीं चला गया कि यार इसको सेंस है, ये रेलिवेंट है, ये बाकी सारों को समझ नहीं आई कि पहले किसको लिखना था। तो अब आपने क्या लिखना था, इसी को मैं खोल रहा हूँ, अब तशरीह इसकी कर रहा हूँ, बोर्ड के पर्चे में गया बैठा हूँ और मैंने वहाँ लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा मैंने, सवाल नंबर 1, उसके बाद मैंने लिखा जुज, क्योंकि 2 पैरे होंगे उसमें अलिफ या बे, ये एक एक लाइन छोड़ते या नहीं है, जितने पैसे दिए पूरे करो, वहाँ उसी में सवाल नंबर 1 उसी में जो डर क्यों रहा है, सीटें मिल जाएंगी, पैसे तुम्हें भरे हुए हैं, 50 सीटें भर ले, लाइन छोड़ते हुए नहीं डरना, उसकी नज़र ना रुके, वो अब उसी में से एक भी यहीं, एक भी यहीं, बड़ा कंजूस आदमी है वो ये कहेगा, मुफ्त के बच्चे थे ये डर गया कि लाइनें भर जाएंगी, और लाइनें भरने जो आया बैठा है उल्टा छोड़। तो सवाल नंबर 1 जुज नंबर ए या बी जो भी है जो आपको आता है वही करेंगे, वो लिख दो। अब उसके बाद आपने अगली हेडिंग देनी है कि हवाला है मतन, हवाला है मतन में आपने सबसे पहले क्या देना है, नंबर 1 मुसन्निफ का नाम, नंबर 2 सबक का क्या उनवान, एन से इसको नहीं आता है मिलापक्की करें, सबक का नाम लिख दूँ तो क्या गलती हो रही है, उनवान क्यों कह रहा हूँ, नाम ही कह देता मैं, लोग लिखते भी हैं, टेक्निकली गलत है, नंबर नहीं कटता, नाम लिख दोगे तब भी नंबर मिलेगा, अकल नहीं शो होगी। नाम है ऑलमोस्ट लिटरेचर में हम जिंदा चीज़ कह ही देते हैं, तो लिहाजा ये उनवान होगा क्योंकि ये किसी जिंदा चीज़ ने आगे सोच के रखा है, किसी आदमी ने नहीं सोचा होगा उनवान,
वो कौन है आदमी? तो बस उसका नाम है, ये उन्वान है। तुमने तो नहीं नाम रखा, नाम तो माँ बाप रखते हैं समझो, वो माँ बाप तहरीर का मुसन्निफ ही होता है, तुम नहीं हो। तो ये कोशिश करो कि उन्वान लिखो, नाम भी लिख दोगे तो कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन अब तुम्हें पता लग गया कि नाम और उन्वान में फ़र्क क्या है। उस्वा हसना आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ने पूरा लिखा है, कौन है वो? किसी एक ने लिखा है उसको पूरी मिला आती, बाकी अरबी का लफ्ज़ है तुम्हें मिला ही नहीं आएगी। इसलिए दो तीन दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये आएगी। इस उन्वान को घर जाके पांच दफ़ा लिख लेना, और उस्वा हसना बेशक छोड़ दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख लेना, ऐसे आएगा ही नहीं। कोई हाफिज़ बैठा है तो शायद उसको आ जाए। आराब लगते हैं, अरबी है, उस्वा हसना उर्दू फारसी मिक्स है, वो मैं लिख सकता हूँ, उसमें भी मैं हमजा और ज़ेर की गड़बड़ कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी, अब मैं इसको खोलने लगा हूँ। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी दरसी किताब के सबक उस्वा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाते हैं, कहाँ से डाला मैंने, वहाँ तो था नहीं, पल्ले से डाला, जो भी लिखेगा पैरा वो मुझसे बेहतर राइटर है या नहीं है, पहला सवाल तो ये है। तो फरमाते हैं ना, जब वो कोर्स में आया बैठा है, तुम्हें से कितने लोग, चार जिंदगियां ले लो 100-100 साल की, कितने कोर्स में आओगे? हो सकता है एक भी ना आए, वो एक ही लाइफ में आ गया है, तो वो हमसे काबिल है, पहली चीज़ तो ये माने हम, तुम भाई काबिल आदमी है, लिहाजा वो फरमाता है जो भी कहेगा, एहतरामन मुझे यही कहना पड़ेगा। इवन अल्लामा इकबाल भी किसी छोटे शहर के बारे में कहेगा तो तहजीब कहती है कि वो फरमाते हैं, उसके लिए अदब के कलमे जाहिर करो, यही मांग रहा है वो। तो भाई इसको अदीब की शनाख्त है, किसी ने इसको तमीज सिखाई, भाई अदब तू कारी है, अदीब नहीं है, अदीब का तूने एहतराम करना है, तो लिहाजा वो कर रहा है नहीं, तो ये जुमला अपनी तरफ से ऐड करो कि जो भी मुसन्निफ हो, जो भी सबक हो, कुलिया आ गया, जब भी पैरा होगा तो क्या से शुरू करना है, फलाम मुसन्निफ अपने मजमून या उसमें सिर्फ तब्दील भी होती है बाज़ औक़ात, अपने सफ़रनामे में, अपने ड्रामे में, अपने मजमून में, अपने मकाले में, फलां आदमी वो कोई ना कोई होगा, तुम्हें पता है कौन है, और अपनी उस सिन्फ में ये बदलेगी, फरमाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट ये लिखेगा, नहीं तो आम स्टूडेंट है। फलां मुसन्निफ अपने दरसी किताब के सबक में फरमाते हैं, फलां सबक, समझ आ गया? खाली जगह में पुर कर लोगे मुसन्निफ, ये अब ये खाली जगह है, सही सुलेमान भी यहाँ है, आगे और हो जाएगा, आगे और हो जाएगा, आगे और हो जाएगा। अपने मकाले में फरमाते हैं, आगे मकाला नहीं होगा, अपना अफसाना आ जाएगा, अपने अफसाने में फरमाते हैं, अपने ड्रामे में फरमाते हैं, अपने खत में फरमाते हैं, खतूत भी हैं, तो जो चीज़ हो वो लिखना, नहीं आ रहा, जहन नहीं काम कर रहा, तो अपने दरसी किताब के सबक उस्वा हसना में फरमाते हैं। दोनों चीज़ें वो जो ऊपर लिखी हुई थी लाइन में डाल दी तुमने, वहाँ तुमने लिखा था ये और ये, ये और ये, यहाँ पूरी लाइन में दोबारा डलेंगी, ये पुलिया बिठा लो, समझ आ रही है सबको? कोई ऐसा जिसको समझ ना आई हो, क्या कहा मैंने, पहले ये बेस से मुझे शुरू करो, कहाँ से शुरू हुआ भाई जवाब मेरा, तुम्हारा जवाब कहाँ से शुरू करोगे, सबसे ऊपर हेडिंग क्या दोगे, फटाफट बोला करो, टाइम लगाया करो, और सबसे पहली हेडिंग सबसे पहली हेडिंग पर्चा शुरू करने लगा हूँ, सवाल नंबर दूसरी, जूज नंबर तीसरी, अब हवाला मतन, हवाला मतन के नीचे सब हेडिंग चार, दो बताई हैं, दो नहीं बताई, चार आएंगी, सबक का उनवान, मुसन्निफ का नाम, माखज का नाम जो आखिर में ब्रैकेट में दिया हुआ है हर सबक के, और एक चीज जो नहीं दी हुई, सिन्फ का नाम, लफ्ज समझ लो, स्वाद नून पे, स्वाद के नीचे जेर है, जबर है,
रुक जाओ ना, नया लफ्ज है तो पहले इसको फंसा लो अपनी जेब में। सेन सवाल उनसे इसकी जमा क्या है, कथन आप बस यहाँ तक जिसका पक्का हो गया उसके तीन नंबर आगे बढ़ गए। आगे मैं ये बताऊँगा कल इसको मजबूत कैसे करें।